ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। आधे घंटे की मुलाकात थी 12 से 12:30 बजे, और जैसे ही मैं बैठा वहां पे मुलाकात की जो कुर्सी थी, तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल के मैनुअल को देखिए, जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है, इसमें लिखा हुआ है हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ वेल बिहेव्ड प्रिजनर्स टू हैव फेस टू फेस इंटरव्यू आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब इससे पहले चिदंबरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1-to-1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे, और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो, उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है। पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने का प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है, असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूँगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे उसकी गिरफ्तार? ये तो इंडिया गठबंधन का अपना फैसला है जी। पार्टी ने अपोज नहीं किया, कह रहा है कि केजरीवाल के जेल में आने के बाद पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। कौन कहता है भगदड़ मच चुकी है? आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन ग्रुप है, आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में रहने वाली जमात है। हमारी पूरी पार्टी एक साथ है, चट्टान की तरह हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, और आएंगे, बाहर आएंगे। और 4 जून को, ये बात मेरी नोट कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेना, 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बन के उभरेगी।